राजस्थान की बांसवाड़ा सीट, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं तेज थी कि कांग्रेस बाप पार्टी के साथ में यानी कि बीएपी के साथ में गठबंधन कर सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और आज कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर चर्चाएं गर्म हुई। चर्चाएं गर्म ऐसे हुई कि कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को उतारा नॉमिनेशन में, वह भरने ही नहीं पहुंचे या फिर भरने के बाद में उनके नामांकन वापसी ले ली गई या फिर रद्द कर दिया गया। क्या ये राजनीति अब खुल करके सामने आई है इस लोकसभा चुनाव के अंदर, दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। बांसवाड़ा सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन कई उलटफेर हुए हैं। नामांकन खत्म होने के कुछ देर पहले कांग्रेस ने अर्जुन बामनिया को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, लेकिन बामनिया ने आखिरी समय तक नामांकन ही दाखिल नहीं किया। बामनिया की जगह अरविंद डामोर ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन जमा करा दिया। इसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि क्या बामनिया ने कांग्रेस और बीएपी के लिए गठबंधन के कारण नामांकन जमा नहीं किया या किसी चूक की वजह से नॉमिनेशन नहीं भर पाए। कांग्रेस की पहले बीएपी से गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन सहमति नहीं बनी और जैसे ही कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया तो बीएपी के सुर नरम पड़े और वापस गठबंधन की पेशकश की तो घटनाक्रम घूम गया। अब अगर गठबंधन पर सहमति बनी तो कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद डामोर को सिंबल नहीं देने का विकल्प है, इसके बाद नामांकन वापस करवाया जा सकता है। जिस तरह बामनिया ने नामांकन नहीं किया, इसे गठबंधन की दिशा में एक कदम भी बताया जा रहा है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।